दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहां से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज है 18 फरवरी 2020 मंगलवार। एक बार फिर से हम आपके लिए 5 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। प्रूफ के तौर पर आप इन सभी भर्तियों की नोटिफिकेशन की PDF सिंपली चेक कर सकते हो। ऑल इंडिया की गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट है। 8वीं 10वीं 12वीं डिग्री, डिप्लोमा और भी अन्य योग्यताओं से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। इनमें से कुछ भर्तियां ऐसी निकली है जिनके लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की 5 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में। भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत पोस्टल असिस्टेंट या सोर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन या मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती निकली है MTS, यानी के यहाँ पर वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसीज है जो कि आप नोटिफिकेशन से सिंपली चेक कर सकते हो। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज दी गई है। जी हाँ दोस्तों, सेली पोस्टल असिस्टेंट या सोर्टिंग असिस्टेंट के लिए 25,500 से 81,100 है। पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए 21,700 से 69,100 है। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए 18,000 से 56,900 है। योग्यता की बात की जाए तो पोस्टल असिस्टेंट या सोर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, जबकि मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है। ₹120 आवेदन शुल्क है। बिना एग्जाम की भर्ती है। मेरिट से आपका चयन किया जाएगा। ऑफलाइन आप आवेदन कर सकते हो। गुजरात जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। indiapost.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 20 मार्च 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है कूपन क्लर्क, टेलीफोन ऑपरेटर, वर्क मिस्त्री, AC मैकेनिक, प्लम्बर और कारपेंटर की वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सेली कूपन क्लर्क के लिए 10,300 से 34,800 है। टेलीफोन ऑपरेटर, वर्क मिस्त्री, AC मैकेनिक, प्लम्बर, कारपेंटर के लिए 5,910 से 20,200 है। 10वीं 12वीं पास ITI डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष है। जनरल या OBC के लिए ₹600 आवेदन शुल्क है। SC BC EWS के लिए ₹150 है। EX सर्विसमैन के लिए ₹100 है। PH के लिए ₹300 है, जो कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम या इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है PSSB.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 6 मार्च 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस विभाग के अंतर्गत साइबर क्राइम कंसल्टेंट की भर्ती निकली है। वेरियस वैकेंसीज है। ₹35,000 सैलरी पर मंथ के लिए है। BBTech MCA डिग्री इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं बात आयु सीमा की जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट रूल के अकॉर्डिंग तय की जाएगी। कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा टेस्ट या इंटरव्यू के आधार पे। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। वेस्ट बंगाल जॉब लोकेशन है wbpolice.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 6 मार्च 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पब्लिक सर्विस कमीशन में। लोक सेवा आयोग यानी कि PSC के अंतर्गत प्रोजेक्ट मैनेजर की भर्ती निकली है। वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसीज है। 9,300 से 34,800 सैलरी है। ग्रेजुएट डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री, MBA और CA से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु की बात की जाए तो मेल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 21 से 37 वर्ष है, जबकि फीमेल के लिए 21 से 40 वर्ष है। जनरल या OBC या EWS के लिए ₹600 आवेदन शुल्क है। SST और वोमेन जो बिहार स्टेट के हैं उनके लिए ₹150 है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट के आधार पे। अप्लाई इस पे आप ऑनलाइन कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। bpsc.bih.nic.in जिसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए लास्ट डेट 2 मार्च 2020 है। फीस पेमेंट करने के लिए लास्ट डेट 6 मार्च 2020 है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 16 मार्च 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 5 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के अंतर्गत बड़ी भर्ती निकली है।
प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी की वेरियस वैकेंसीज है। प्रोफेसर के लिए 159,100 से 220,200 सेल है। एडिशनल प्रोफेसर के लिए 139,600 से 211,300 सेल है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 131,400 से 204,700 सैलरी है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 101,500 से 167,400 सैलरी है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। आयु की जानकारी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। वहीं बात आवेदन शुल्क की जाए तो जनरल या ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए 3,000 रुपये है और फीमेल के लिए 1,000 रुपये है। एससी एसटी ओएच के लिए 500 रुपये है। बिना एग्जाम की भर्ती है, इंटरव्यू से सीधा चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऋषिकेश उत्तराखंड जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। एम्स ऋषिकेश .edu.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट होंगे 29 फरवरी 2020 से। जहाँ दोस्तों इसके ऑफिशियल पोर्टल पर अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक 29 फरवरी को ही एक्टिवेट किया जाएगा, आप तभी से आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 7 अप्रैल 2020 है। तो दोस्तों ये थी आज की यानी कि 18 फरवरी 2020 की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की पीडीएफ सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी भी अपडेट अपलोड करते हैं।